नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं, इतने दिन से वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज ठीक है इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूं। आज मैं आपसे बहुत ही खूबसूरत एवरग्रीन प्लांट मुसेंडा के बारे में बात करूँगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और ये प्लांट आपके गार्डन को हमेशा ही ग्रीनरी देता रहेगा। और इसके फ्लावर तो देखिए ये कितने खूबसूरत है, ये फ्लावर जो वाइट वाले हैं ये है, और ये इसके ये रेड कलर की पत्तियां हैं, लेकिन हम इसे ही फ्लावर कहते हैं क्योंकि ऊपर की टिप पर रहते हैं ये, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। और ये प्लांट कई कलर में आता है, मेरे पास ये रेड है, इसके अलावा ये वाइट और पिंक और कुछ ऑरेंजेस कलर में भी आता है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस वजह से मैंने यही लिया। वैसे तो ये गर्मियों का प्लांट है लेकिन अक्टूबर नवंबर तक इसमें फूल आते रहते हैं, और इसके बाद ये फरवरी में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है तो इसीलिए इस प्लांट की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप इस प्लांट को नर्सरी से लाएँ तो तब आप इसे अच्छे से लगाएं। उसके लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी लें, 30% सैंड लें और 30% वर्मी कंपोस्ट लें। वर्मी कंपोस्ट आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपके पास सैंड नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप ऐसी मिट्टी में लगाते हैं तो आपका प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। और इसकी मिट्टी को बस एक बात याद रखें, हमेशा थोड़ा नमीदार रखें, मॉइस्ट रखें। और अब बात कर लेते हैं सनलाइट की, तो इस प्लांट को फुल सन में ही रखें, ये सन लविंग प्लांट है। आप जितना इस प्लांट को ब्राइट लाइट में रखेंगे उसमें उतने ही इसके जो फ्लावर हैं उसका कलर और भी ज़्यादा डार्क और निखर कर आएगा। बस मई और जून की गर्मी में थोड़ा ध्यान रखना है, उस टाइम आप इसमें अच्छे से वाटरिंग करें दिन में 2 बार, तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो 14 इंच से छोटा गमला ना लें, उससे बड़ा ले सकते हैं। अगर आप छोटा लेंगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जब ये प्लांट जितने बड़े पॉट में रहता है उतनी ही इसकी जड़ें फैलती हैं और इसको पूरा पोषण मिलता है, जिससे ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, और छोटे गमले में ये बिल्कुल सिमट के रह जाता है। और नेक्स्ट बात आती है फर्टिलाइज़र की, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप इसे साल में 2 या 3 बार इसमें खाद दें। आप खाद में फुली डीकम्पोस्ट गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। कई बार मेरे व्यूअर पूछते हैं कि कितनी खाद देनी है, जैसा कि मेरा 14 इंच का पॉट है तो आप उसमें 100 ग्राम के करीब दे सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ज़्यादा भी देंगे तो उससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। हाँ, केमिकल फर्टिलाइज़र में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपके प्लांट्स बर्न हो जाएगा, इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक पे ही, ऑर्गेनिक खाद का ही यूज करें। और अगर आपके पास खाद नहीं है तो घर में कई बार दही या मट्टा खराब हो जाता है, तो उसमें आप पानी मिलाकर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, जिससे उन्हें सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और हेल्दी भी रहता है, और ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड का भी काम करता है। और इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, थोड़ा पेंसिल जितनी थिकनेस वाली आप कटिंग लीजिए और उसे वेल ड्रेन मिट्टी में दबा दीजिए, और ये सीजन बेस्ट है कटिंग लगाने के लिए, तो आप इस सीजन में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की, तो इस समय तो बरसात का सीजन चल रहा है तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, जब मिट्टी सूखने लगे तभी आप पानी दें। और मई जून की गर्मी में लेकिन आपको इसका पानी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना, अगर मिट्टी गीली ना लगे तभी आप पानी दे दें, और दिन में आप 2 बार पानी दें, तब देखिए आपका प्लांट गर्मियों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होती है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन कौन इस प्लांट को लाने वाला है।
तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।